साथ है मेरी विश्वा और एक मेरा बहन देख सकते हैं ड्यूटी पे आई हूँ। तो यहाँ ये सांप का खेल हो रहा है, नागिन डांस करेगी, देखते रहना, पास जाकर दिखाऊंगी तुम्हें। नागिन नागिन खड़ी हो जा, ये नागिन नागिन अब जंगल की, ये तो बाहर की नहीं है, ये तो जंगल की है ना। कोबरा सांप के नाम से जाना जाता है, ये नागिन है। अभी कैचली वाई पड़ी है, हाथ से बाहर होती काफी खड़ी हो जाती, पर ऐसे सांप की तारीफ मत करना जो कि ऐसे तो अपने खेत में मिल जाती इतने को, तारीफ उसकी होती है पहली बार देखने को मिले तो वो नागिन दिखाता दलिया में छोटी मंदिर नाचने वाली नागिन जो पहली बार दर्शन हो गया। कहाँ कहाँ गया भैया, लेडीज फिर सब बैठने आ गया, सारा गांव में बैठा है बाहर, क्या कहा गया बताओ। नाग डांस कराई नागिन, नागिन ये डांस करेगी, मेहनत कर दे रहे हैं बोलिए जी। ले नागिन बाहर सुनो भैया, सांप तो मैं लाया दिखा के जाऊंगा और नंबर वाइज दिखाऊंगा, एक एक करके सारे एकदम नहीं छोड़ूंगा भैया, एक एक करके नंबर वाइज नंबर से नाग दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। नागिन नाग से ये देख जाऊं पहले, कोई भी बहन कोई भैया ये मत सोचना कि बाबा जी ने बीन बजाई है सांप दिखाएंगे तो हो सके हमसे पैसा या नाच मांगेंगे। तो देखो भैया ऐसा भी कोई खेल नहीं है हमारा, सांप देखना बीन सुनिए, आत्मा करे इच्छा करे किसी की देख के दे जाना, और किसी की आत्मा इच्छा नहीं करे भैया देख के अपने घर चले जाना। और जैसे आप लोग मेरी जो इससे भाषा समझाने हैं तो हम लोग को बाहर के नहीं है, हमारा जो रहना सहना है तो बाबा जी का पता सुनिए, हमारा रहना सहना मेरा गाँव पड़ता है शेरगढ़ कोसी छाता के पास में शेरगढ़। और देखो बहनों ये मेरे गुरु जी है जिनकी उम्र 103 साल जी आज भी है, देखो ये हमारे महाराज जी है, इन्होंने हमने शेरगढ़ से चल के तुम्हारे यहाँ पे आए के हम लोगों ने खोली एक दुकान और उसी दुकान का चल रहा है हमारा गांवों में प्रचार। तो ज्यादा समय नहीं करूंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट तक करूंगा मैं दुकान का प्रचार, 8 मिनट में दिखाऊंगा तुम्हें ना, अगर केवल 10 मिनट का खेल है। और दुकान पर यही महाराज जी हमारे ना दुकान पर दो चीज का करते हैं इलाज, गारंटी का माता बहनों, और इलाज किस चीज का करते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे वक्त बुरा नहीं लाए। पहला इलाज हमारे यहाँ होता है देखो ऐसे नाक के कांटे का इलाज, सांप के कांटे का इलाज होता है, और कैसे आदमी का होता है कि जिसको सांप ने काट लिया और सांप के काटने से इसके गले से डांट पड़ गई जिसे आप लोग गटा कहते हो, चक्कर खाया जमीन पे गिर गया, जाने तुम्हारी नजर में वो आदमी मर गया, गाड़ी में गिरो दुकान पे लाओ 3 घंटा रखेंगे अपने पास हम लोग, उसे ऐसी जंगल की रुकड़ियां सुमाएंगे पिलाएंगे खुलाएंगे, 3 घंटे में ठीक करके तुम्हारे संग भेज दिया जाए। तो बोलो भैया काम अपना सही है या गलत है, पहला काम होगा सांप के कांटे का। तो हम ये कहोगे माँ बहनों के बाबा जी पैसा कितना लोगे, 501 रुपया लेते हैं भैया, 501 रुपया फीस नहीं है, प्रसाद मंगाते उसी भैया से बंटवा देते हैं। तुम ये कहोगे बाबा जी रात बरात में ऐसी घटना हो जाए तो कहाँ ढूंढेंगे, तो मैं कहाँ है तुम्हारी दुकान है, तो दुकान तो अपनी क्लास में लगाइए भैया, काम मेरा शेरगढ़ है। और सांप देख लो मेरा गाइड मेरा पता मेरा फोन नंबर बांटूंगा मैं, सब ले जाओ, भगवान ना करे रात में बरात में यारी में रिश्तेदारी में कहीं भी अगर सांप किसी को काट ले फोन कर दो जी, निजी गाड़ी इसलिए घूमती सांप काम नाम में, तुरंत आएंगे हम घर बैठ के इलाज कर जाएंगे। पर देखो है ना बुरा मत मानो, सांपन को रोज जोर चल लो फिलहाल में, क्योंकि इन सियापर के ब्लड में चलो गए पानी, और ये सियाप घाव आगे कर रहे हैं सूखी जगह देख रहे हैं, काहे के घर में बढ़ रहे हैं, काहे के पेट्रोला में बढ़ जाएंगे, भगवान ना करे ऐसी घटना काहे के संग हो जाओ, फोन करो तुरंत आए घर बैठ के इलाज कर।
गाड़ी भूखे प्यासी आ जाएंगे, पर भैया जी गाड़ी भूखी प्यासी देखो नहीं आएगी, तेल लेंगे तो तरफ का घर बैठ के इलाज कर जाएंगे। अरे बहन भैया को दूंगा मेरा पता, वैसे रोज फोन करना, पर मजाक में कोई झूठा फोन मत करना भैया, तो दे दो मेरा प्रचार और अब देखो तुम साफ बजा दो बच्चे, कल तुम्हें नागिन दिला दूंगा। सुनो ध्यान दो, तब ये कहोगे बाबा जी भाई दूसरा इलाज काय का होता है, तो वो भी सुनो फिर साफ ही साफ देख जाओ भैया जी, दूसरा इलाज यही हमारे गुरु जी दुकान पर चार बीमारी का और चार मर्ज का इलाज करते माता जी हम लोग, गारंटी का। और गारंटी कैसी है, पहले इलाज पहले फायदा, 3 महीना के बाद में पैसा लेते हैं हम लोग बीमारी ठीक करने के बाद। आप सब ये कहोगे बाबा जी बीमारी कौन सी है, तो नाम सुनो बीमारी का। पहली बीमारी जिसके पिछले संस्कार से गले में होगी गांठे, गले में गांठे बन गई है भैया, जिसको कहते हैं कंठमाला। 8 दिन की दवा दूंगा, 8 दिन दवा लगा दो गांठे ठीक हो जाए, रुपया 200 देता हूं, आज नहीं 3 महीना बाद में ठीक होने के बाद में। दूसरे नंबर पे जिस भैया के है पथरी, और डॉक्टर ने ये कह दी कि 20,000 लगेंगे, पेट फटेगा तब निकलेगी, जानी ऑपरेशन होगा, पेट मत भरवाना। जिस भी माँ बहन के जिस भैया के पथरी है, मैं 12 दिन की दवा दूंगा, 12 दिन में घर बैठ इलाज हो जाए, पेट फटने से बच जाए, 13वां दिन जाके काहे भी है तो संग्रह लो। अगर डॉक्टर ये कह दे कि पथरी नहीं है, तो रुपया 500 लेता हूं भैया 3 महीना बाद में पथरी वाले से। तीसरी बीमारी जिसके सांस का मर्ज है, 4 कदम चलता सांस फूल जाता है, टीवी बताई डॉक्टर ने इन्फेक्शन, हाथ पे लगा पड़ा इस पे चला फैन जा रहा है, 1 महीने की दवा दूंगा भैया ठीक होने के बाद, रुपए 300 लेता हूँ सांस वाले से। चौथी बीमारी लास्ट जिसको भैया सुबह बैठा हो गया, हाथ में लोटा आया, खेत में गए, बैठते बैठते लेटरिन में खून आ गया, मेरे गुरु ये कहते बेटा जिसने करी शर्म उसके फूट गए, बीमारी का नाम बवासीर, बवासीर है, ऑपरेशन की नौबत आ रही है, उसे दूंगा भैया मैं केवल मात्र 14 दिन दवा, 14 दिन में बवासीर बिना ऑपरेशन ठीक हो जाए, रुपए 250 लेता हूँ, 250 3 महीना बाद में। जय भैया मेरा प्रचार, अब देखो तुम साफ भैया जी, ले नागिन बार हो जा, तेरी रफ्तार तेरे डरदा तेरे जर बात लो, जे तुमने देख लिया सला ने जे दिखाया भाई बंद कर दे, मैं बंद सब हम देख लिया बंद कर दो, लो इसे बंद कर देता हूं, ले नाग बैठ जा, आटा मिठाई से बंद है साइड बरत, अब देखो ये नागिन, ले नागिन सूंघ ले जंगल की जड़ी और लिकट के हो जा मैदान में, तेरी रफ्तार से डर दात को बस मगर के निया। पर कुछ मेरी बहन कुछ मेरे भैया तो मेरी बात को अब भी मजाक में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कि जब इतने बड़े वैद्य होते ना अपने घर बैठ के पूछते हमारे गांव में नहीं आते, तो इस बात को भैया हम लोग भी जानते हैं, इंसान कदर कहां होती है, मकान पे दुकान पे ठिए पे ठिकाने पर, तुम्हारी गली की फुटपाथ पे बैठा हूं कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी बहन को किसी भैया को मेरी बात का विश्वास नहीं है, अगर मेरी जड़ी बूटी की देखनी है तागित, तो 2 भैया तो मैं फ्री में बैठा के यहाँ ठीक कर दूंगा अभी 2 मिनट में, तब तो मानो को जड़ी बूटी में तागित है। और किस भैया को ठीक करूंगा, किस बहन को जो दिन भर काम करता है, शाम को जब भराई के बैठ जाता तो उठन जाता है, और खड़े हो गए या तो बैठन जा रहे, इनों से परेशान है, भगवान से जाके गांठ गांठ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर में उठो जाओ चलो जाओ है, कसम है उस भैया को लेकर के मेरे भाई आ जाओ माता जी, अभी दवा दूंगा बैठ के लगा, 2 मिनट लगेगी ठीक कर दूंगा बिना पैसा के, बोलो कोई है दर्द वाला भैया, आ जाओ भैया आ जाओ लेकर के आ जाओ, ठाड़े हो गया ठाड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, सोचो मती ना आ जाओ, दर्द होगा इनमें मैया आ जाओ, दर्द जाओ ठीक कर लो, बुढ़ाते हुए दर्द ठीक कर लो, डोल लो मैं आ जाओ, दर्द पैसा नहीं दे रहा फ्री में इलाज करूंगा, आ जाओ आ जाओ आया, कोई भी एक दो बड़ी बूढ़ी हो जितनी सब आगे यहाँ बैठा भरक जाते फ्री में ठीक कर दो हमारे का, आ जाओ यही बैठ ले मैया बैठ जाओ यहीं पे, आ जाओ मैं जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है मैं आज गांव में प्रचार कर लूंगा, इतने टाइम ना है हमारे पास में, 3 मिनट का समय मेरे पास बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और कोई है चाय लगवा दवा आ जाओ बना बन लेकर कनिया, फ्री में इलाज है, जिसके घोट में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, जिसके दर्द है वो निकल के आओ फायदा ले जाओ, ठीक है बेटा।
सुनो, मैं तुम्हारे दवा लगा रहा हूँ, मिले आराम मिले फायदा, सबसे कहियो दवा बढ़िया है, ना मिले आराम ना मिले फायदा चिल्लाए कहियो दवा खराब, पर झूठ मत बोलना, क्यों थम देंगे का भाई, तब ये लोग ले जाएंगे दुकान पे मेरी दवाई, लो हल्के यहाँ से लगाना, मैं दवा बिक्री देना सर कपड़ा पड़ा सर, हल्के यहाँ से पूरे हाथ में बोलो, ये हाथ से लगाओ तरीक है तुम्हारे कमर में है, रगड़ लो कमर, कितने की डिब्बी है भैया, बहन पहले फायदा देखो उसके बाद पैसा होगा, मतलब कपड़ा डालो उड़ जाएगी जवानी, तो रख लो मैं आँखों में दवा जाएगी, जाम लगाओ दूसरे वाले, पूरे घोटो ले भैया कहाँ घोटो और बैठ जाओ, और कोई है भैया दर्द वालो बोलो, बाबा सोच रहे कुछ मांगो तुमसे, तुम्हें अच्छी लगे तुम लोगे, अच्छा ना लगे तुम लोगे, तुम कहाँ दर्द है बताओ, छाती में है तुम चुप कर लो, मैं लगा देता हूँ पल्लू पर कभी इसने मारे जाओ, कहाँ हाथ लगा बता दो, यहाँ से दर्द हो रहा है, कैट रोड थोड़ी देर बाबा भैया ना आगे को डांस दिखाए दे जल्दी जल्दी, कहाँ है वो, और कोई दर्द वालो भैया बोलो, छिगारे का है रो, ये चौना आखिरी दवा है, लेकिन मैंने नहीं लगा ना तो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहले लगा के इस्तेमाल करके बताइए, तो देखो भैया सुनो, एक आदमी को ठीक कर लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा फ्री में कर रहा हूँ इलाज में तुम्हारे यहाँ, एक भैया को आ जाओ चाकू आखन से दिखे कम, चाकी आखन से कम दिखे, आंख कम दिख रो धुंधलापन है, और जाकी आंख पर पड़ गई मोतिया बिंद, जाकी आंख पर पड़ गई है जाली, पकड़ के लिया फ्री में ठीक कर दो, यहाँ जाली कार के बाल निकाल दूंगा, बनवाई तो ना भैया, भाई ऑपरेशन में भाई हुआ है, कौन सी आंख से कम ठीक है, जाक से धुंधला दिख रहा है ना, तो एक बात बता भैया, नजीक से कम दिख रहा है या दूर को कम दिख रहा है, देख ले आंख बंद करके, दूर कम नहीं करो नजीक को, जल्दी बताओ टाइम नहीं थी देर में बताओ, मेरे मोह नेक दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा, 3 मिनट लगा लो घड़ी में, दवा लगाऊंगा जाली भर मैया नुक की दिख रहा है, तो मान जाओ दवा शरीर बकवास है, दवाई मत मानना, बोल दो बेटा बेटी, बेटा एक छोटू वाला खराब है, एक सीट निकाल दे, आना बेटा आ जा, ये सफेद सीट लगे उठाओ इस तरह से, बताऊंगा भाई अब बैठ जाओ भाई, देखो ये बच्चा से उठवाई मैंने दवा, क्यों उठवाई मैंने बच्चा से, तुम समझ नहीं होंगे भैया, अगर मैं उठाए के लगाते बाबा जी लगाई वो असली और गांव में बेचो, मौत की बहन की दवा किसी के पास नहीं है, और जिसकी आंखों से आता है पानी, आंखों मारता है दर्द, वो भैया आ जाओ, और तो बहुत से भैया लोग कह रहे हैं कि हमें क्यों लगाए, एक रकम दवा ले लो और काले वाले काजल मिलाओ और उन बच्चों को लगाओ जो बच्चे पढ़ के आते हैं दिन भर मट्टी में खेलते हैं, शाम के टाइम काजल लगा दो, बाबा कसम आओ खराब की बात कर रहे हो, घर में 6 महीने आनू घर में दुगनी नहीं आओगी, अगर रोगी भैया लगाना है तो सुबह सुरमा लगेगा, आंख में धुंधे जाना है परवाले मोतिया बिना कम दी के पानी आओ यहाँ खुजाओ दर्द मारता है, शाम को लगेगा सोटी बार कैसे लगेगा देख जाओ, लगाऊं कौन सी आंख में मोती बन बताया बाबा, दोनों बताया था आपको, हटिया भैया हटिया ला ला, पहुंचना नहीं आपको, बैठ जा बैठ जा, हैं
तुम्हारा दद्दू सही है वो पहले तो जता दो। अभी बताऊंगा पूछ रहा हूँ तुम्हारी सामने कमर सामने बताऊंगा। ये दवा तो अभी साथ देखो मैंने यहाँ पे बाबा आके खोल मत नहीं हो ना खोला नीचे मर करा एक मिनट मर करा बैठ जाओ बस। अब देखो ये रख दिया अब देखो नागिन को डांस आंख मत खोलियो मैया रुक को लेने के एक मिनट को सुना एक भैया और आ जाओ जाके घर में बच्चा को परेशान है कान से सर बह के आ रही है अभी दो बूंद दवा दे रहा कान की सर बंद खाजे खुजली है छाजन है चरम रोग एलर्जी पूरे शरीर में खुजली तेल मिला तीन दिन लगा साबुन से मनाना खुजली खत्म दांत खत्म दवा होगी चार पांच नंबर दवा जो लाली बहन बैठी रुकती बाबा जी बालों से परेशान है टूटते झड़ते रूसी डेंडर लग गया बालों में 100 ग्राम केले मिला एक हफ्ते लगा बाल लंबे बाल गहरे बालों की दवा पांच नंबर दवा हो गई। भैया आपके तो दर्द है सच बोलियो काम है रहो ताली बजा दो भैया जी अभी रुको अभी पुलिस से एक करके भेजूंगा तुम्हें यहीं से मैं मोती अरविंद यहाँ से मैं जागी सही कर सुनो एक भैया वो आ जाओ जो तंबाकू खाता है तंबाकू गुटखा दांत खराब हो गए पकड़ के लाओ अभी एक बार लगा लो दांत अभी क्लियर सफा कर दूंगा यहाँ पे कीड़ा लग गया दांतों में कीड़ा कारिया खून आ रहा दर्द मार रहा है नसों फूल रहा खून आ रहा दांतों से है कोई ये दवा छह हो गई भैया बच्चे ताली आंख खोल दूंगा इनके चप्पल बेटा पहला फायदा बताया मैं तुम्हें दर्द में अब दूसरा आंखों में सुनो फायदा ना बता दी मैं पानी मारूंगा खोलो मिर्ची करो खोला मिर्ची करो खोलो बाबा सो गए पानी मार रहा हूँ स्वाद खोला मिर्ची कर दो आंखें खोलो बंद करो अरे घर से परेशान हो खड़े हो जाओ फोन से मत आ रहा एक मिनट बंद करना जाली बाबू बाहर करके आई तुम्हारे सामने यहाँ देखो माछ है जिम्मे नहीं है हम देखो भैया तुम भी देखो तुम क्यों ना देखोगे तुम भी देखोगे देख जाओ वहाँ के मैं जाली क्या होती है डॉक्टर लोग निकालते हैं भैया किसी को चश्मा किसी को लेंस पड़ा जाओ ये होता है मगर जाल आंखन में खोलो 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 के लिए नहीं कब सा परेशान बैठो बोला सही कह रहे ईमानदारी से बोला झूठ मत बोल दिख रहा हूँ दिख गया ताली बजाओ सब बच्चे मेरे दिख ये है मोतिया बिंद जिसे कहते हैं मोतिया बिंद ये बाहर साथ ही दबा अभी जाइए मैं दूसरी आंख साफ और करूंगा तुम्हारी मैं क्लियर देखूंगा किसी आएंगे सही कह रहे हैं यार वो काचरी सी उतरी है तुम देने की काचरी नहीं होती जी काचरी नहीं होती है हम तो किसान है खेतन में काम है हमारा ड्यूटी कर रहे आए मेरे ने खेल में दवाई को बचा कर रहा है ड्यूटी होगी बच्चे बच्चों के सुन ये तो भाई हमारे साथ बच्चे बच्चे कोई वैसा काम होगा अब देखो नागिन को डांस सब बच्चे ताली बजा दे जल्दी दिखा दे जल्दी दिखा दे लाए जवान नागिन को दिखाइयो पहले प्रचार होगा उसके बाद सुनो बहस मत भेजना तुम्हारी आंखों में है धुंधलापन धुंधलापन तुम्हारी आंख में नहीं धुंधलापन बना हुआ है अगर मोतिया बिंद बाबा से कट के बाहर आया अभी जाली अभी तुरंत अभी धुंधलापन बना हुआ है मोतिया पको नहीं अभी तुम्हारा कच्चो है तो सुनो तुमने हो ये दवा ये दवा होगी मेरे पास में वो छह दवा का प्रचार कर दिया मैंने अगर इनकी तरह अगर कोई फायदा लेना चाहे तो एक भैया को फायदा कर दूंगा मैं 20,000 का फायदा उस कल नहीं अभी करूंगा यहाँ देखो 20,000 खाते में आ जाने बेटा मेरो करो ये गोली बहुत छोटी है 10 गोली इसमें गोली छोटी है काम बड़े पहला फायदा सुनो जो खेले भैया बैठे नुक रहते बाबा जी घर में कमी नहीं खान पीन की हम अपने बच्चों के लिए हम खुद के लिए खाते बकरिया की तरह और घर में सूप के हो रहे लकड़िया की तरह जिसके दांत कट के जाता है दांत गर्मी से बंद हो पेट में गैस बनता है खाना नहीं खाता भूख नहीं लगती है खाए भाग लिया इसका लीवर खराब है कच्चे दूध में खाए चाय नहीं पिए जेरो हमारी लाली बहनों को बनता है इसके पैर करते हड्डी करते डॉक्टर में चेक कराई डॉक्टर ने साबित कर दिया लकोरिया
और हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं लाल सफेद पानी। 20 साल से हड्डी हड़के जा रही, बंद नहीं है। एक गोली बच्चे से मंगाए दो और अभी खुलाए दो, 3 मिनट में बंद। 8 दिन दो जब से बीमारी खत्म। जो घर में जो बच्चे लोग करे जी, हमारे बच्चे सूख रहे हैं। हेल्थ नहीं बनती, आधी आधी गोली 8-10 ना खुलाए। चाय के परहेज है, 50 की दबा रखी है, बोला दिन दे दो। अब देखो नागिन भैया सुनो, कोई मेरी भले घर की बहन भले घर का भैया ये कहना चाहे, बाबा तुमने ये दवा सब अजमा अजमा की बता रहे हो, इसे हमें घर परिवार ले जाना चाहेंगे, सब कीमत तो तुमने बताया नहीं है, तो कीमत सुनो। ये आंखों की दवा अगर भैया दुकान से, ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ज्यादा अच्छों के दवाई फास्ट दवा की है, ठीक है दवाई है ना।